हाल ही में एक हादसा हुआ है। शहजादा दाऊद अपने 19 साल बेटे के साथ सफ़र पर रवाना हुआ था, समुद्री सफ़र था। दुख इस बात का है कि वो दुनिया में नहीं रहे, उससे भी बढ़कर दुख इस बात का है कि उनके दुनिया से चले जाने के बाद जो हमारे रवैये हैं वो कुछ बहुत ज़्यादा अफसोसनाक हैं। दुनिया से चले जाना कोई बड़ी बात नहीं है, मर उन्होंने जाना था, जिंदगी उनकी ख़त्म थी। और जिस जगह पर किसी ने मरना है, हमारा अकीदा और ईमान है कि वो खुद ब खुद वहाँ पे पहुँच जाता है, किसी भी हीले बहाने से मौत उसको वहाँ पे घेर के ले जाती है। उनका वक्त मुकर्रर था, उन्होंने मर जाना था, वो मर गए, दुनिया से चले गए। लेकिन दुख उन रवैयों का है जो उनके चले जाने के बाद हमारी सोसाइटी, हमारी माशरे ने अपनाए। दौलत की तकसीम अल्लाह के पास है, किसी को ज्यादा दे देता है, किसी को कम दे देता है। कम किसी को देता है, क्यों देता है, किसी को ज्यादा दे देता है, वो क्यों देता है, ये राज उसके पास है। ये हमारे समझने की बात नहीं है, ना हम इसके मुकल्लफ हैं कि हम इस बात को समझें कि गरीब गरीब क्यों है और अमीर अमीर क्यों है। ये अल्लाह ताला की तकसीम है, उसने अपने पास रखी है। मगर ये बात याद रखिएगा, हर आदमी अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी औलाद को उसके शौक पूरे करना चाहता है। मैं ये चाहता हूं कि मैं अपने बच्चों की तमाम ख्वाहिशों को पूरा करूं। आप भी यही चाहते हैं कि अपने बच्चों की सारी ख्वाहिशों को पूरा करें, मगर अपनी हैसियत में रहकर करनी है। मेरे पास 1,000 रुपया है, मैंने उसी में रहकर अपने बच्चों के शौक पूरे करने हैं। आपके पास 1,00,000 रुपये, आपने उसी में रहकर अपने बच्चों के शौक पूरे करने हैं। मेरा दिल चाहता है मेरे पास इतनी दौलत हो, मैं गर्मियों के मौसम में ठंडे इलाकों में चले जाऊं, सियाहती इलाकों का रुख कर जाऊं, मैं वहां पे रहूं। बल्कि अगर मेरे पास गुंजाइश हो तो मैं वहां पे अपना घर बना लूं, अपनी रिहाइश बना लूं, ताकि हर गर्मी के मौसम में मैं वहां पे चला जाऊं। लेकिन मेरी इतनी हैसियत नहीं है, मैं बड़े से ज्यादा साल भर में एक दिन जा सकता हूं, कोई 2 दिन जा सकता है। अल्लाह ने शहजादा दाऊद को, उनकी फैमिली को नवाजा है, दौलत उनको दी है, उन्होंने मेहनत की है, और इसमें शक नहीं है। वो दौलतमंद नहीं है जिस तरह हमारे यहां ये समझा जाता है कि हर दौलतमंद लुटेरा होता है, हर दौलतमंद चोर होता है। हमें यह बताया जाता है, हमें यह सिखाया जाता है, हमें यह पढ़ाया भी जाता है कि जितने दौलतमंद हैं वो सारे के सारे चोर हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, सारे दौलतमंद, सारे अमीर लोग ना चोर होते हैं ना डाकू होते हैं। अल्लाह ताला ने उनको दिया होता है, वो मेहनत से कमाया होता है, उसमें से वो जकात भी निकालते हैं, उसमें से वो अल्लाह के रास्ते में खर्च भी करते हैं। शहजादा दाऊद का ताल्लुक भी उन्हीं लोगों में से था जिनको अल्लाह ने दौलत दी, फिर उन्होंने आगे अल्लाह के रास्ते में खर्च भी किया। वो खैराती इदारे भी चलाता था, वो हॉस्पिटल भी बनाए हुए थे उसने, उनको वो मुफ्त में उनका इलाज होता था लोगों का उन हस्पतालों में। उसने तालीमी इदारे बनाए हुए थे, लोग लाचार बच्चे, गरीब बच्चे वहाँ पर तालीम भी हासिल करते थे, और भी बहुत सारे वो काम किया करता था। और उससे हटकर एंग्रो ग्रुप का वो डिप्टी चेयरमैन भी था, उसमें हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग काम करते हैं, मुल्क की खिदमत करता था। उसके पास शनाख्ती कार्ड पाकिस्तान का था, पासपोर्ट पाकिस्तान का था, उसकी दौलत पाकिस्तान में थी, उसका कारोबार भी पाकिस्तान में था। फिर हम ये क्यों कहते हैं कि वो अय्याशी करने के लिए वहां पे चला गया, उसने 30-35 करोड़ रुपया अपना और अपने बच्चे का खर्च किया तो वो वहां पे गया। भाई क्यों गया, ये बहस छिड़ गई कि वो वहां मरने के लिए गया था। भाई मरना तो उसने वहीं पे जाके था, उनको अल्लाह ताला ने गुंजाइश दी थी, वो चले गए।
लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो सिर्फ वहीं पे गए हैं। मैंने पहले अर्ज किया कि वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाला इंसान था। 19 साल बेटे के साथ वो एक समुद्री सफर पे रवाना हुआ और अल्लाह के कुरान ने ये इरशाद फरमाया है। कुरान में इरशाद होता है, कुल सीरू फिल अर्द, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों को कहें कि ये जमीन में सैर किया करें, जमीन में फिर के देखा करें, अल्लाह की कुदरत का मुशाहिदा किया करें। अगर उनका वहां पे जाना फर्ज नहीं था तो कहीं मना भी तो नहीं किया था, किसी को अल्लाह ने मना की नहीं किया कि वो किसी सफर पे ना जाएं। जमीन में फिरना, जमीन में घूमना, अल्लाह की कुदरत के मुशाहिदों को देखना, अल्लाह की कुदरत को देखना, ये तो ऐन इबादत है, ऐन सवाब है। अल्लाह की कायनात में एक लम्हे का की गौर व फिक्र करना ये सदियों की इबादत से ज्यादा अफजल और आला है। एक लम्हे के लिए अल्लाह की कायनात में गौर करना, तदब्बुर करना, फिक्र करना कि अल्लाह ने ये कायनात कितनी खूबसूरत बनाई है, अल्लाह ने ये दुनिया कितनी खूबसूरत बनाई है, ये कायनात अल्लाह ने कैसी खूबसूरत बिछा दी है, तो ये तदब्बुर है। तो उनका जाना ये कोई कुरान के मुनाफी नहीं था, इस्लाम के मुनाफी नहीं था। वो चले गए खुदा के लिए, उनके लिए। अगर उनकी तारीफ नहीं कर सकते तो उनकी बुराई मत करें। अल्लाह और अल्लाह का रसूल तो ये कहता है, दीन ये कहता है कि मरने वाले की खूबियां ढूंढ ढूंढ कर बयान करें। अगर कोई तुम्हारे पास उसकी बुराई है तो उसको छुपा लें। क्यों? इसलिए कि तुम्हारी खूबियों का बयान करना उसके हक में अच्छी शहादत बन जाएगा और उसकी बख्शिश और निजात आपकी शहादत पर मुनहसर है। अगर आप उसकी अच्छाई की, उसकी खूबियों की इजहार करते हैं तो अल्लाह ताला उसको बख्श देगा, उसकी मगफिरत कर देगा। तो खुदा के लिए अगर उसकी तारीफ के लिए कोई जुमले हमारे पास नहीं है तो हमें कोई हक नहीं पहुंचता कि हम उनको बुरा कहें। जरा सोचिए तो सही, कौन नहीं चाहता अपने बच्चों के सारी ख्वाहिशों को पूरा करना, अपने बच्चों को हर हाल में अच्छी तरबियत देना। वो अपने उसके बच्चे की ख्वाहिश थी, अपने बेटे को लेकर वो चला गया। लेकिन ये सोचिए, जरा वहम में लाइए, सोचिए उस मंजर को, जरा अपने दिमाग में लाइए इस बात को कि जब दोनों बाप और बेटा आमने सामने बैठकर एक दूसरे को देख रहे होंगे, बाप बेटे को देख रहा होगा कि वो आखिरी सांसें ले रहा है, उस पर निजा का वक्त है, बेटा बाप को देख रहा होगा कि मेरा बाप मर रहा है, आखिरी वक्त है, आखिरी सांसें ले रहा है, तो जरा सोचिएगा वो बाप और बेटा उनकी कैफियत क्या होगी, वो किस कर्ब से गुजर रहे होंगे। बेटा यकीनी तौर पर उसे अपनी तकलीफ का एहसास नहीं होता होगा, अपनी मौत की उसको कोई परवाह नहीं होती होगी, उसे ये फिक्र होगी कि मेरे बाप पे इस वक्त क्या गुजर रही है। बाप को अपनी फिक्र नहीं होगी, अपनी तकलीफ की परवाह नहीं होगी, बल्कि सामने बैठे हुए बेटे के बारे में सोच रहा होगा कि इसको तकलीफ हो रही है, इसको परेशानी हो रही है, ये आखिरी वक्त पे जा रहा है, इसकी आखिरी सांसें ले रहा है। तो बाप और बेटा जब आमने सामने बैठे एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर इस दुनिया से रुखसत हो रहे होंगे, हम भी औलाद वाले हैं, जरा सोचिएगा वो कैसा मंजर होगा, फिर उनके ऊपर क्या गुजरी होगी। तो आज जब हम उनके लिए बातें करते हैं, उनके नेगेटिव पॉइंट बयान करते हैं, तो उनकी फैमिली पर क्या गुजरती होगी, उनके घर वालों पर क्या गुजरती होगी, उनके दोस्तों पर, उनके लवाहिकीन, उनके पसमानगान पर क्या गुजरती होगी, वो क्या सोचते होंगे। उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया था, कोई बुराई नहीं की थी, किसी का हक मार के वो वहां पे नहीं गए थे, उनका शौक था, वो चले गए।
और मैंने पहले अर्ज किया कि ये तो हमारा दीन कहता है कि कायनात में फिरो, कायनात में सैर करो, अल्लाह की कुदरत के मुशाहदात देखो, अल्लाह की कुदरत के मनाजर देखो और फिर उसकी तारीफ करो। अल्लाह ताला उनके पसमानगान को सब्र जमील अता फरमाए और अजर अजीम भी अता फरमाए।